Now I'm talking about virus. The word virus, which means poisonous fluid, was given by Pasteur. Ivanovsky 1892 discovered tobacco mosaic virus, and W.M. Stanley showed that the virus could be crystallized. तो इवानोवस्की ने देखा कि कुछ टोबैको लीफ जो थी इन्फेक्टेड थी, उनके जूस को उन्होंने जब हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए। ये देखने के लिए उन्होंने सोचा हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो ये, तो उन्होंने बैक्टीरिया समझ के फिर इसको फ़िल्टर किया, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद बैक्टीरिया निकल जाने चाहिए थे, फिर भी उन्होंने जब अब उस जूस को फिर से हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो फिर इन्फेक्टेड हो गया। इससे पता उन्हें चला कि बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज़ है, तो इस तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर हुआ था। And virus are obligate intercellular parasite. Actually virus is a link between living and non-living. क्योंकि वायरस में कोई सेल भी नहीं होती है, बस एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, दैट इज़ नोन एज कैप्सिड और कैप्सोमियर, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं एक साथ मिल सकते, या तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो इसकी बॉडी में सेल भी नहीं होती, इसलिए अगर आप इसे सॉल्ट की तरह किसी शीशी में भर के रख दें तो सालों तक ही रखा रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जब आप इसे किसी लिविंग होस्ट पर छोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वायरस किसी की नाक पर अटैक करता है, तो वो उसकी सेल्स पे कब्जा करेगा और उसकी सेल से फूड लेगा, न्यूट्रिशन लेगा और ग्रोथ करेगा और रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा, और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। तो इससे पता चला कि वायरस इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक्चुअली इसमें सेल भी नहीं होती, सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए इसे हमें लिविंग भी कहना पड़ता है। तो वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग अ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड और कैप्सोमियर। डीएनए और आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, तो दो हेलिकल भी हो सकते हैं, जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। दे कॉज डिजीज लाइक वर्म्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा इन मैन। इन प्लांट द सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज इंक्लूड मोजैक, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग एंड डॉफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। वायरल्स की बात करें अगर हम, तो वायरल्स आर द स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट। दे कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए व्हिच हैज़ अ लो मॉलिकुलर वेट एंड लैक अ कैप्सिड। तो अगर केवल कवरिंग की बात की जाए तो उसे हम प्रियॉन बोलते हैं, अगर केवल कवरिंग से डिजीज हो रही है, और अगर केवल जेनेटिक मटेरियल से प्रॉब्लम हो रही है पैथोजन से, तो उसको हम वायरॉइड बोलते हैं। तो वायरॉइड और प्रियॉन दोनों को मिलाकर वायरस बनता है। तो वायरल्स वर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनियर इन 1971। दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज दैट इज पीएसटी वायरॉइड। और अगर प्रोटीन कवरिंग की सिर्फ डिजीज़ हो रही हो तो उसे हम प्रियॉन्स बोलते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइकेंस। लाइकेंस आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ एल्गी एंड सर्टेन फंजाई दैट लिव इन क्लोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड फाइकोबायंट एंड द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायंट। एल्गा प्रिपेयर फूड वाइल द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन को लाइकेंस से बताया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वायरस। द वर्ड वायरस विच मीन्स पॉइजनस फ्लूड वॉज गिवन बाई पाश्चर। इवानोवस्की 1892 डिस्कवर टोबैको मोजेक वायरस एंड W.M. स्टैनले शोड दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो इवानोवस्की ने देखा कि कुछ टोबैको लीफ जो थी इन्फेक्टेड थी, उनके जूस को उन्होंने जब हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए। ये देखने के लिए उन्होंने सोचा हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो ये, तो उन्होंने बैक्टीरिया समझ के फिर इसको फ़िल्टर किया, लेकिन फ़िल्ट्रेशन के बाद बैक्टीरिया निकल जाने चाहिए थे, फिर भी उन्होंने जब अब उस जूस को फिर से हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो फिर इन्फेक्टेड हो गया। इससे पता उन्हें चला कि बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज़ है, तो इस तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर हुआ था। एंड वायरस आर ऑब्लीगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। एक्चुअली वायरस इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्योंकि वायरस में कोई सेल भी नहीं होती है, बस एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, दैट इज़ नोन एज कैप्सिड और कैप्सोमियर, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं एक साथ मिल सकते, या तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो इसकी बॉडी में सेल भी नहीं होती, इसलिए अगर आप इसे सॉल्ट की तरह किसी शीशी में भर के रख दें तो सालों तक ही रखा रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जब आप इसे किसी लिविंग होस्ट पर छोड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड वायरस किसी की नाक पर अटैक करता है,
तो वो उसकी सेल्स पे कब्जा करेगा और उसकी सेल से फूड लेगा, न्यूट्रिशन लेगा और ग्रोथ करेगा और रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। तो इससे पता चला कि वायरस इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक्चुअली इसमें सेल भी नहीं होती, सेल ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते, लेकिन इसमें जेनेटिक मटीरियल होता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए इसे हमें लिविंग भी कहना पड़ता है। तो वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग अ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड और कैप्सोमियर। डीएनए और आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, तो दो हेलिकल भी हो सकते हैं, जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। दे कॉज डिजीज लाइक वर्म्स, चिकन पॉक्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा इन मैन। इन प्लांट द सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज इंक्लूड मोजैक, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग एंड डॉफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। वायरल्स की बात करें अगर हम, तो वायरल्स आर द स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट। दे कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए व्हिच हैज़ अ लो मॉलिकुलर वेट एंड लैक अ कैप्सिड। तो अगर केवल कवरिंग की बात की जाए तो उसे हम प्रियॉन बोलते हैं, अगर केवल कवरिंग से डिजीज हो रही है, और अगर केवल जेनेटिक मटेरियल से प्रॉब्लम हो रही है पैथोजन से तो उसको हम वायरॉयड बोलते हैं। तो वायरॉयड और प्रियॉन दोनों को मिलाकर वायरस बनता है। तो वायरॉयड्स वर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनियर इन 1971। दे कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज दैट इज पीएसटी वायरॉयड। और अगर प्रोटीन कवरिंग की सिर्फ डिजीज हो रही हो तो उसे हम प्रियॉन्स बोलते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइकेंस। लाइकेंस आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ एल्गी एंड सर्टेन फंजाई दैट लिव इन क्लोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गल पार्टनर इज कॉल्ड फाइकोबायंट एंड द फंगल पार्टनर इज कॉल्ड माइकोबायंट। एल्गा प्रिपेयर फूड वाइल द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन को लाइकेंस से बताया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वायरस। द वर्ड वायरस विच मीन्स पॉइजनस फ्लूड वॉज गिवन बाई पाश्चर। इवानोवस्क के 1892 डिस्कवर टोबैको मोजेक वायरस एंड डब्ल्यू एम स्टैनले शोड दैट द वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। तो इवानोवस्की ने देखा कि कुछ टोबैको लीफ जो थी इन्फेक्टेड थी, उनके जूस को उन्होंने जब हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो भी इन्फेक्टेड हो गए। ये देखने के लिए उन्होंने सोचा हो सकता है कोई बैक्टीरिया हो ये, तो उन्होंने बैक्टीरिया समझ के फिर इसको फ़िल्टर किया, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद बैक्टीरिया निकल जाने चाहिए थे, फिर भी उन्होंने जब अब उस जूस को फिर से हेल्दी प्लांट पे डाला तो वो फिर इन्फेक्टेड हो गया। इससे पता उन्हें चला कि बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज़ है। तो इस तरह से टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर हुआ था। एंड वायरस आर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट। एक्चुअली वायरस इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस में कोई सेल भी नहीं होती है, बस एक प्रोटीन की कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज कैप्सिड और कैप्सोमियर, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों नहीं एक साथ मिल सकते, या तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड मिलेगा। तो इसकी बॉडी में सेल भी नहीं होती, इसलिए अगर आप इसे सॉल्ट की तरह किसी शीशी में भर के रख दें तो सालों तक ही रखा रहेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जब आप इसे किसी लिविंग होस्ट पर छोड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड वायरस किसी की नाक पर अटैक करता है तो वो उसकी सेल्स पे कब्जा करेगा और उसकी सेल से फूड लेगा, न्यूट्रिशन लेगा और ग्रोथ करेगा और रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। और रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग की प्रॉपर्टी होती है। तो इससे पता चला कि वायरस इज़ ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एक्चुअली इसमें सेल भी नहीं होती, सेल ऑर्गेनिज्म भी नहीं होते, लेकिन इसमें जेनेटिक मटीरियल होता है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसलिए इसे हमें लिविंग भी कहना पड़ता है। तो वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग अ न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड और कैप्सोमियर। डीएनए और आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, तो दो हेलिकल भी हो सकते हैं, जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। दे कॉज डिजीज लाइक वर्म्स, चिकन पॉक्स, हर्पीस, हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा इन मैन। इन प्लांट द सिम्टम ऑफ वायरल डिजीज इंक्लूड मोजैक, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग एंड डॉफिंग एंड स्टंटेड।